स्वयंवर और नारद मुनि। जीवजननी सुत जन पालती राखय नदर मजार, अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार, त्यु सतिगुरु गुरु सिख राखता हर प्रीत प्यार। गुरु रामदास जी, भारत में पहले यह रिवाज था कि जब किसी राजकुमारी की उम्र शादी लायक होती तो एक स्वयंवर रचा जाता जिसमें राजकुमारी खुद अपने पति को चुनती थी। एक बार एक राजा की लड़की का स्वयंवर था, नारद जी ने, जो भक्त शिरोमणि कहलाते थे, भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना की कि मुझे सुंदर सा चेहरा दे दो, मैं अमुक लड़की के स्वयंवर में जाना चाहता हूं। भगवान ने यह विचार कर कि कहीं यह काम के वश में न हो जाए, उसे बंदर का चेहरा दे दिया। जिस वक्त वर चुनने का समय आया, लोगों को पीछे हटाकर नारद इस विश्वास के साथ आगे खड़ा हो गया कि कन्या उसी के गले में हार डालेगी। लड़की आगे निकल गई। दिल में ख्याल आया कि शायद उसने देखा नहीं है। लोगों को हटाकर फिर आगे जा खड़ा हुआ। लड़की ने कहा, बार बार उछलता क्यों है, शीशे में अपना मुंह तो देख। जब नारद ने शीशे में अपना मुंह देखा तो बंदर का मुंह। क्रोध में आ गया, भगवान से कहने लगा कि मैं तुझको श्राप दूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे श्राप मंजूर है, लेकिन मैं अपने भक्त को गिरते हुए नहीं देख सकता था। मन बड़ों बड़ों को गिरा देता है, लेकिन भगवान हमेशा अपने सेवकों की संभाल करता है।